टूटने लग्या छन अब, टूटने लग्या छन अब, बाबू दादों का चिड़िया कूड़ा छोड़ कूड़ी ते खोई आली हर चढ़ा अब पितर कूड़ा ना। मैंने आज अपनी मतलब पहली बार गढ़वाली मूवी देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अब मैं जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को लाके ये मूवी दिखाने। सर्वप्रथम आपको प्रदीप भंडारी जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार आपने अपने फिल्म के माध्यम से पितरों के निमित्त एक संदेश दिया है, उस संदेश को हमें अपने पूरे समाज में अग्रसर करना चाहिए कि पितृ सत्कार में पितरों की सेवा में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। आज आपने पितृकुड़ा के माध्यम से ये हमें बता दिया कि पितृकुड़ा का मतलब असली अर्थ क्या होता है। पितृकुड़ा का असली मतलब क्या, घर में स्थापित उनके घर की इज्जत सम्मान जीते जी उनका सम्मान अंगन करेंगे तो हमें आगे अपने जो जीवन में है किसी तरह की कठिनाई महसूस नहीं होगी। धन्यवाद। पितरों को मनाना चाहिए। हम लोग दिवाली में अमावस को अपने पितरों के स्थान में जाते हैं। मैं यही कहूँगी भंडारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई की बात है। आपने इतना अच्छा समाज को संदेश दिया है कि हमारे बच्चे जो कि उन्हें पता ही नहीं है कि पितृ होते क्या है, पितृ पूजा होती क्या है, पितृपक्ष क्या होता है, क्योंकि वो अपने पढ़ाई में अपने कारोबार को सेट करने के लिए बाहर चले जा रहे हैं, इसलिए अपनी जमीन से अपने गाँव से जुड़े रहना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा और इतनी बढ़िया पिक्चर पितरों के लिए। और आपको बताना चाहते हैं, जब से ये अग्रवाल समाज यहाँ पर बना है मसूरी में, तब से हमेशा दिवाली के दिन अपने पितृ पूजन के लिए मूर्ति स्थान पर जरूर जाता है और सभी महिलाएं और अग्रवाल समाज और युवा समाज वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और हम लोग पटाखे भी छुड़ाते हैं, दीप भी प्रज्वलित करते हैं। कमाल एक्टिंग कर दी है। और जो लेखन ये है, ये तो भाई मेरे ऊपर तो बहुत चरितार्थ है। मरने के बाद 20-20 साल डालते हैं, क्या फायदा उन 20-20 साल का, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जीते जी तो आप पूछ रहे, बिल्कुल, और मरने के बाद 20-20 साल डाल रहे, उन सालों का क्या फायदा है, बहुत बढ़िया। आप प्रदीप भंडारी जी, आपने बहुत अच्छी सोच के साथ, बहुत अच्छी बात के साथ फिल्म में अगर आपने ध्यान जाओ तो एक परिचय आपके सामने है इस पूरी फिल्म की, जो कहानी लिखने वाले हैं, निर्माता है, निर्देशक है, और जो दादाजी का रोल निभा रहे भंडारी, लेडीज के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, सभी के लिए एक मार्गदर्शन है। इसीलिए मैंने सब लेडीज को उत्साहित किया कि चाहे गढ़वाली है लेकिन बहुत सरल भाषा में है और सभी को बहुत समझ आएगी। कई लेडीज ने प्रश्न भी उठाया कि गढ़वाली फिल्म में हम क्या करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे, हम देखेंगे, अगर कोई हमें वर्ड समझ नहीं आएगा तो हम दूसरे से पूछ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, लेकिन मैंने वैसे सुना है कि बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है, तो इसलिए मेरा मन था कि सभी लेडीज को दिखाऊं। आने को मैं अकेली भी आ सकती थी, एक दो को भी लेके आ सकती थी, लेकिन मैंने पूरी लाइब्रेरी बाजार को इकट्ठा किया सभी लेडीज को और सबको अपनी तसल्ली दी कि बहुत अच्छी फिल्म है और सबको समझ आएगी और सबका सबके लिए हमारे मार्गदर्शन करेगी, लेडीज के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए हमारे लिए मार्गदर्शन है। तो जैसे आपने एक विश्वास दिलाया था कि बहुत सरल भाषा में है, तो वैसे लगी, हमारा विश्वास पूरा उतरा है, पूरा विश्वास उतरा, बिल्कुल हमें वैसी लगी, उससे भी ज्यादा हमने मन में सोचा था उससे भी ज्यादा समझ आई। जैसे सब महिलाओं ने आज इकट्ठा होकर मूवी के लिए प्रोत्साहन दिया है, ऐसे ही वो आगे भी करते रहे। मतलब सारी बातें वो हमारे ऊपर अप्लाई होती हैं क्योंकि हमारे जो हम करते हैं अपने पितरों के लिए तो हमें पता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए, पर नई जनरेशन बाहर चली गई सारी, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे क्या करना है, उसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि साथ ही नहीं है तो बच्चे कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे इस चीज़ को, पर इस पिक्चर के माध्यम से उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, वैसे से सबके लिए, लेडीज समाज के लिए है, लेडीज के लिए है, क्योंकि लेडीज समझेंगी तभी आगे बच्चों को शिक्षा देंगी, वो हमारी जनरेशन भी इस चीज़ को समझती है, बट हाँ हमें अपनी जनरेशन में और इसको डिटेल में बताना चाहिए, बहुत अच्छा है और पितृ का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है।